हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेकिस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑक्टल टू बीसीडी कन्वर्जन का एक क्वेश्चन। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जो कि ऑक्टल का है, हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार, आपको जो भी नंबर कन्वर्ट करना है उसको सबसे पहले आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको आप जो है अपने रिक्वायर्ड बेस में जो कि बीसीडी है उसमें आप कन्वर्ट कीजिए, जिससे जो कि क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है। तो सबसे पहले हम इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है 8 की पावर जो है इनसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 8 की पावर 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 की पावर 1 से, फिर 8 की पावर 2 से, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो हम ये प्रोसेस करते हैं। 2 को हम जो है 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करना है इन सबको, फिर इसको 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 8 की पावर 2 से, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब हमें जो है यहाँ पे सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है ये करते हैं कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 192, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 8 की पावर 0 होता है 1, कोई भी नंबर की पावर जो 0 होती है उसका होता है 1। तो हमें यहाँ पे जो है सिंपली ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 242 बेस 10, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब इस डेसिमल नंबर को हमें जो है बीसीडी में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ईजी है। तो हमें यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है और तीनों का जो है हमें सेपरेटली 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब कोई भी हम जब बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर का जो है हमें 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना होता है, जो कि हमें मिल जाता है 8421 वाले फॉर्मेट से। तो जैसे 2 का जो है हमें 4 बिट बाइनरी नंबर चाहिए, जो ये हो जाएगा 0010, हो जाएगा 0010। फिर हमें 4 का चाहिए तो ये जाएगा 0100, और 2 का चाहिए आपको तो जाएगा 0010। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ साइड में 0010, इसका बेस बीसीडी, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको हमने यहाँ पे क्या किया है। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपको कन्वर्ट करना है उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप उसको जो अपने रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर था तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, जो कि हमने किया 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे जाना है आपको। फिर ये नंबर हमको डेसिमल मिल गया, फिर इस डेसिमल नंबर को जो हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को आपका हर डिजिट का जो है 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है 8421 वाले फॉर्मेट से। फिर आपको जो है सिंपली उसको कंबाइन करके यहाँ पे लिख देना है, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो उसका प्लेलिस्ट का मैं URL जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हमने बनाई है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।